गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट ग्रोथ ऑफ पुरानिक हिंदुइज्म। इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्ट विच वाइड स्प्रेड इन इंडिया। द आर्किटेक्चर्स ऑल्सो which is stretches in the on Indian continent. We will read about that Naga temple architecture, Besa temple architecture and Dravidian temple architecture. So my dear student, let's start this topic, the growth of Puranic Hinduism. Agar aap पुराणों के आधार पर हिंदुइज्म की व्याख्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस अबाउट दैट व्हाट इज पुराण। पुराण दैट वाज द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, इट वाज कंपाइल्ड ड्यूरिंग 4th century to 7th century AD। इन दिस टेक्स्ट वी हैव सीन द वेरियस ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, सब groups of the religious sect also we have seen in Puran, which is clearly explained Puranon mein Ishwar ko mukti data ke roop mein dekhne ka pratha shuru hui, parampara shuru hui. Ab jo मुक्तिदाता की बात थी, महापरिनिर्वाण की बात थी, बोधिसत्व की जो संकल्पना की गई थी, बोधिसत्व लोगों के कल्याण की जो बात कर रहा था, ये सिर्फ बुद्धिज्म तक ही सीमित नहीं था या सीमित नहीं रहा, बल्कि इसका विकास बाद के कालों में बड़े पैमाने पे हुआ। और जो भारत में धर्म नए तरीके से इंट्रोड्यूस हुए उनमें इनका विशेष ध्यान दिया गया। वैष्णव धर्म, साहिब धर्म में कुछ अलग स्वरूपों में ब्राह्मणिकल थॉट्स, बिलीफ्स को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया गया। आज इस पुरानिक हिंदुइज्म में हम देखेंगे कि किस तरीके से इनकी संकल्पना की गई। द नोशन ऑफ द सेवियर वॉज नॉट अ यूनिक टू बुद्धिज्म। वी फाइंड similar ideas being developed in different ways within tradition that we now consider part of Hinduism. These included the Vaishnavism, a form of Hinduism within which Vishnu was worshipped as the principal deity, and Saivism, a tradition within which Shiva was regarded as the chief god, in which was wrong the growing emphasis on the worship of chosen deity. In such worship, the bond between the devotee and the god was visualized as one of love and devotion and bhakti. I think you can understand what author want to explain you and what we are going to read. We are going to read about Saivism and Vaishnavism. We are also going to read about that the concept of the savior. Hum muktidata ki baat karne ja rahe hain. Muktidata ki kalpana, sansar sagar se mukti dilane wale devtaon bhagwan ki kalpana sirf ab buddhism aur jainism tak simit nahi thi, balki ye हिंदू धर्म के कुछ संप्रदायों में ये हमें बहुत विकसित रूप में दिखाई देती है। हम पाते हैं कि इस तरह के विश्वास अलग अलग ढंग से उन परंपराओं में भी विकसित हो रहे थे जिन्हें आज हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है। इसमें वैष्णव परंपरा के लोग, वैष्णव किसे कहते हैं, वह सभी लोग इस परंपरा
के स्वीकार किए जाते हैं जो भगवान विष्णु को अपना सर्वस्व संपूर्ण महत्वपूर्ण देवता के रूप में स्वीकार करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। शैविज्म ठीक ऐसे ही इस संकल्पना में जिसमें शिव परमेश्वर है, जिसमें शिव सुप्रीम अथॉरिटी है, जिसमें शिव देवताओं के देव महादेव और सर्वशक्तिमान है, इस परंपरा में शिव को सबसे महत्वपूर्ण देवता के रूप में मान के लोग पूजा करते थे, वर्शिप करते थे। आई मीन टू से दैट देर इज नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन दैट इन द शैविज्म द प्रोमिनेंट गॉड प्रोमिनेंट डिटी इज द शिवा एंड द वैष्णविज्म द प्रोमिनेंट डिटी और गॉड इज द विष्णु। वी विल डिस्कस द स्टोरी, वी विल डिस्कस द हिस्ट्री ऑफ शैविज्म एंड शैविज्म एंड वैष्णविज्म इन दिस टॉपिक ऑल्सो, बट यू शुड थिंक अबाउट दैट कि परंपराएं जो थी, जो ये सेक्ट आ रहे थे, इसमें अब लोक कल्याण की भावना पर ज़्यादा बल दिया गया। सेक्रीफाइसेस एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस की जगह सामान्य तौर तरीके धर्म में लाए गए। आप अगर गुप्ता पीरियड तक देखें और अगर आप डीप स्टडी करें तो कृष्ण के रूप में एक ऐसे देवता की संकल्पना मिलती है जिनको पूजने का अधिकार अब शूद्रों को भी दे दिया गया। शूद्र रामायण सुन सकते थे, महाभारत सुन सकते थे, कृष्ण की पूजा कर सकते थे, इवन महिलाएं भी ये सारे कार्य कर सकती थी जिनको पहले ये अधिकार नहीं प्राप्त थे। यहां से ये परंपराएं अपने विशेष रूप में स्थापित होती है। इस प्रकार आराधना और उपासना इट मीन्स पूजा पद्धति ईश्वर के बीच का रिश्ता प्रेम और समर्पण का रिश्ता माना जाता था, जिसे भक्ति कहते थे। यू ऑल्सो रीड अबाउट दैट भक्ति, व्हाट इज भक्ति, दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर वेर वी रीड सूफी एंड भक्ति ट्रेडिशन। इन द भक्ति, व्हाट इज भक्ति, आई विल टीच यू देयर द डेफिनेशन ऑफ भक्ति, बट हियर ऑल्सो गिव इन द डेफिनेशन ऑफ भक्ति। In such worship of bond between the devotee and God was visualized as one of love and devotion. Bhakti was based on love and devotion. और भक्ति, भक्ति प्यार समर्पण की बातों पर निर्भर करता था। In the case of Vaishnavism cult, okay, we will start द वैष्णविज्म, बट हियर यू हैव टू अवेयर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ वैष्णविज्म। इसका विकास कहाँ से होता है, कब से चला, कहाँ से इसके हमको साक्ष्य और एविडेंस मिलते हैं वैष्णविज्म के। वैष्णविज्म का प्राचीनतम उल्लेख, विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में तीन तरह के देवताओं का उल्लेख है, अंतरिक्ष के देवता, आकाश के देवता और पृथ्वी के देवता या अथवा द्युलोक के देवता। इसमें विष्णु का स्थान दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर के देवताओं के क्रम में विष्णु को रखा गया। ये तो हुआ ऋग्वेद की बात, यहाँ पे विष्णु नामक एक देवता का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में इन्हें गौड़ देवताओं की श्रेणी में रखा गया है, ये मुख्य देवता के रूप में नहीं थे। ऋग्वेद में मुख्य देवताओं के रूप में अग्नि, इंद्र, वरुण, बृहस्पति का स्थान था। अब जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, ऋग्वेद के बाद इनका उल्लेख हमें लगभग उत्तर वैदिक काल से, वैदिक काल से लेके उत्तर वैदिक, फिर 6th century BC, फिर 1st century AD क्लियर दिखाई देने लगता है। लिटर वैदिक में हमने पढ़ा कि किस तरीके से भागवत संप्रदाय, पांचरात्र व्यूह की संकल्पना कर ली गई थी। भागवत संप्रदाय का उदय हो चुका था। भागवत का अर्थ अगर आप देखें, इफ यू माइनटली ऑब्जर्व अबाउट दैट डेफिनेशन ऑफ भागवत,
भागवत वर्ड मेड फ्रॉम टू वर्ड्स भग एंड वत। भग इट मीन्स गिफ्ट, जो दे, भग मतलब देने वाला, वत मतलब जो डिस्ट्रीब्यूट करे, भग मतलब भाग्य और वत मतलब देने वाला, भाग्य को देने वाला भागवत कहलाया। भागवत से वैष्णव, भागवत से कई सारी परंपराएं उत्पन्न हुई और उसी में एक परंपरा थी वैष्णविज्म की। कई सारे देवताओं का उल्लेख प्राचीन काल में हमारे माई थॉट्स में, हमारे टेक्स्ट में और इंस्क्रिप्शंस में भी दिखाया गया है। सबसे पहले वैष्णविज्म का उल्लेख मथुरा से प्राप्त इंस्क्रिप्शन, जो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स है, उसके आधार पर बात कर रहा हूँ। आई एम टेलिंग अबाउट द आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, बिहाफ ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सेट द हिस्ट्री, वी आर गोइंग टू सेट कितना प्राचीन हो सकता है सेविज्म, जहाँ से हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल रहा है। वैसे तो हमने इसको ऋग्वेद से क्लियरली हमें इसके उल्लेख प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन आर्कियोलॉजिकल एविडेंस अगर देखें तो हमें मथुरा के मोरा नामक स्थान पे तोसा नामक एक महिला ने कुछ प्रतिमाओं की स्थापना की, जिसमें कृष्ण, संकर्षण, सांब, अनिरुद्ध, चतुर्व्यूह मूर्तियों की स्थापना की बात करती है। इसके बाद ये तो फर्स्ट सेंचुरी की बात है, इसके और पहले आइए सुंगास पीरियड में, मौर्यन डायनेस्टी के डिक्लाइन के बाद जो सुंग डायनेस्टी राज कर रही है, सुंग डायनेस्टी के नवे शासक भागभद्र के समय में तक्षशिला के शासक एंटिलिया क्लीड्स का एक एम्बेसडर हेलियोडोरस भारत आता है। तक्षशिला से वो भारत आता है और तक्षशिला से वो गुप्ता साम्राज्य की सीमा में आता है, वो विदिशा पहुंचता है, बेस नगर पहुंचता है और वहां पे हेलियोडोरस का बेस नगर स्तंभ लेख में क्लियरली वैष्णविज्म की बात की गई है। वो कहता है देव देवस वासुदेवस इंस्क्रिप्शंस, वो वहां पे इस बात का उल्लेख करता है, लिखवाता है पत्थरों पे देव देवस वासुदेवस। अप्रमदा, संयम और त्याग की बात करता है, तीन चीजों पे विशेष बल देता है, भक्ति, समर्पण और त्याग, आत्मसंयम की बात करता है। ये हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है जो सेविज्म, जो वैष्णविज्म की प्राचीनता को दिखाते हैं। बाद में तो कालांतर में कई सारे शासकों के उल्लेख हमको दिखाई देते हैं। गुप्ता पीरियड में तो सभी राजाओं ने वैष्णव धर्म को महत्ता दी, वैष्णव धर्म की उपाधियां धारण की, परम भागवत टाइटल एक्सेप्ट किया और फिर बाद में बहुत सारे राजाओं ने परम भागवत की उपाधियां धारण की, वैष्णविज्म को प्रमोट किया। इसकी एक लंबी हिस्ट्री है, ये तो हमने इतिहास में वैष्णविज्म की प्राचीनता ढूंढी, वैष्णव धर्म की महत्ता पे बात की। वैष्णव धर्म की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इसमें किसी भी आडंबर या किसी भी रिचुअल और एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस को नहीं स्वीकार किया गया था। विदाउट एनी हेल्प, विदाउट एनी एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस, यू कैन बी फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। इन गीता भगवान श्री कृष्ण व्हेन ही गेव सर्मन टू अर्जुन दैट की सभी सब चीज छोड़ के मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। कर्म की प्रधानता पे बल देते हैं, कर्म नेवाधिकारस्ते मां फले सुकदाचनम, मां कर्म फले हेतु। तो जब कर्म बात करते हैं और फिर कहते हैं कि पृथ्वी पे मैं हमेशा अवतार लूंगा, जब जब पृथ्वी पे अत्याचार अनाचार बढ़ेगा मैं पृथ्वी पे अवतार लूंगा और इस अवतार के बाद मैं उस अत्याचार अनाचार को समाप्त कर दूंगा। जब गीता में कहते हैं कि
धर्म संस्थापना अर्थाय विनाश आय च दुष्कृताम। विनाश, दुष्टों का विनाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए क्या करूंगा मैं? संभवामी युगे युगे, मैं हर युग में अवतार लूंगा। तो जो ये बातें कह रहे हैं वो, इससे हमें वैष्णव धर्म की मूल कॉन्सेप्ट दिखाई दे रही है। हमें तीन चार बातें मालूम चली हैं। पहला, वैष्णव धर्म का मूल कॉन्सेप्ट भक्ति थी। दूसरा, कोई भी टीम आर्ट सेक्रीफाइसेस यहाँ पे रिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं थे। तीसरा, वर्ण के आधार पे, जाति के आधार पे कोई भी सुपरियॉरिटी किसी को प्रदान नहीं की गई थी। सभी लोग वैष्णविज्म को फॉलो कर सकते थे, सभी कास्ट के लोग, सभी क्लास के लोग, सभी क्लैन के लोग, विदाउट एनी डिस्क्रिप्शन दे कैन बिकम द फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म। देर इज नो नीड ऑफ एनी एक्सट्रीम प्रैक्टिसेस, देर इज नो नीड ऑफ एनी रिचुअलिटीज, सेक्रीफाइसेस। सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी बौद्ध धर्म, सॉरी वैष्णविज्म का फॉलोअर बन सकता था। जो ये बातें कह रहे हैं वो मुक्ति दाता, वो मुक्ति देंगे, ये बातें भगवान कृष्ण गीता में कही हैं। अब बातें करते हैं अवतार की, अवतारवाद की, जो वैष्णविज्म का सबसे महत्वपूर्ण स्टेप्स था। अवतार में आपके बुक में भी दिया हुआ है, एक आदमी रूपी, एक आदमी है जिसका सर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखिए, इस पिक्चर को देखिए। ये वाराह अवतार है, वाराह आर बोर अवतार। अब विष्णु रेस्क्यूइंग द अर्थ गॉडेस, ये वाराह अवतार। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख किया गया है, अमर कोश नामक ग्रंथ में विष्णु के 39 अवतार, 39 इनकारनेशन की बात की गई है। लेकिन जो उनके प्रमाणिक हैं, ऑथेंटिक जो अवतार माने गए हैं, इनकारनेशन माना गया है, वो 39 इनकारनेशन की जगह 10 इस इनकारनेशन को एक्सेप्ट किया गया है। इनकारनेशन में प्राचीनतम उल्लेख मत्स्य पुराण से मिलता है। मत्स्य पुराण में 10 अवतारों की बात की गई है। ये 10 अवतार विष्णु के कौन कौन से थे? आई मीन टू से अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराण देर आर 10 इनकारनेशन इज दैट। फर्स्ट मत्स्य, इट मीन्स फिश, मत्स्य अवतार। सेकेंड कच्छप, इट मीन्स टर्टाइज कार्नेशन। थर्ड नृसिंह, इट मीन्स हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, लायन। फोर्थ वाराह, सॉरी थर्ड वाराह एंड फोर्थ नरसिंह। थर्ड वाराह, इट मीन्स हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, एंड फोर्थ नरसिंह, हाफ ह्यूमन एंड हाफ एनिमल, लायन एंड एनिमल, लायन एंड मैन, एंड वाराह वी हैव सीन द वोर एंड मैन। फिफ्थ वामन, सिक्स राम, सॉरी सिक्स परशुराम, सेवन राम, एट संकर्षण और बलराम, सम प्लेस वी हैव सीन द नेम ऑफ कृष्ण, नाइन बुद्धा गौतम बुद्ध, एंड 10 कल्कि। कल्कि अवतार का भी होना बाकी है। ये अवतारवाद, 10 अवतारों की बात की गई है वैष्णविज्म में, 10 अवतार और 10 अवतारों की पूरी डिटेल की बात यहाँ पे दिखाई गई। इसमें सबसे प्रसिद्ध और सबसे फेमस जो अवतार था वो वाराह अवतार था। इस वाराह अवतार के हमें आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिले एरल में, बुद्ध काल की एरल में, जो 510 का एक गुफा है वहाँ पे हमें वाराह अवतार दिखते हैं। यहाँ पे आप एक पेंटिंग्स देख रहे हैं, यहाँ पे आप एक स्कल्पचर देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक वाराह है, उसने पृथ्वी को अपने
मुंह पे उठाए हुए हैं। ये कहानी आती है कि जब हिरण्यकश्यपु का बड़ा पिता, इट मीन्स हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई हिरण्याक्ष, प्रहलाद का बड़ा पिता, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु दोनों एक पावरफुल दैत्य थे, डेविल्स थे, राक्षस थे। एक बार हिरण्याक्ष ने पृथ्वी का अपहरण कर लिया, अर्थ को किडनैप्ड करके वो पाताल लोक लेके चला गया। सारे देवता परेशान हो गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि आप उससे मुक्ति दिलाइए, पाताल में गंदगी बहुत थी। इन चीजों को भगवान विष्णु ने समझा और भगवान विष्णु ने अपना रूप बदला। वो रूप में आए, आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर सुअर का बनाया और फिर पृथ्वी के उद्धार के लिए वो पाताल लोक पहुंचे। वहां उन्होंने हिरण्याक्ष का वध किया, उसको मारा और फिर पृथ्वी को अपने मुख पर बैठा के, रुतुम पर बैठा के वो उस बाहर की तरफ निकले और पृथ्वी के उद्धार की कथा विष्णु पुराण में क्लियरली मेंशन है। आप इस इडोल में देखिए, इस प्रतिमा में देखिए, आपको दिखिएगा नीचे, आप देखिए भगवान विष्णु बारह अवतार में हैं, उनके एक हाथ में चक्र है और एक हाथ पे विष्णु वो पृथ्वी को धारण किए हुए हैं, दूसरे हाथ में शंख है। नीचे आप शेषनाग को देख रहे हैं जिसपे पैर रखे हुए हैं और पृथ्वी का उद्धार करते हुए उनको दिखाया गया है। तो इनकार्नेशन, 10 इनकार्नेशन में सबसे फेमस इनकार्नेशन जो था वो वराह का था। ये अत्यंत ही फेमस था, सभी अवतारों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था और सबसे अधिक पूजा जाने वाला था। आपको आश्चर्य होगा कि राम की उपासना से ज़्यादा प्राचीन काल में वराह की उपासना की जाती थी भगवान विष्णु के अवतारों के रूप में। अब बात करते हैं इनकार्नेशन की, उन चीज़ों के जो आपके बुक में दिया है। कहता है, इन द केस ऑफ वैष्णविज्म कल्ट डेवलप्ड अराउंड द वेरियस अवतार ऑफ इनकार्नेशन ऑफ द डिटी, 10 अवतार्स वर रिकॉग्नाइज्ड विद इन द ट्रेडिशन, दीज वर फॉर्म दैट द डिटी वाज बिलीव्ड टू हैव अज्यूम्ड इन ऑर्डर टू सेव द वर्ल्ड व्हेनेवर इट वाज थ्रेटेंड बाय डिसऑर्डर एंड डिस्ट्रक्शन बिकॉज ऑफ द डोमिनेंस ऑफ इविल फोर्सेस। इट इज लाइकली दैट डिफरेंट अवतार्स वर पॉपुलर इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। रिकॉग्नाइजिंग ईच ऑफ दीज लोकल डिटीज एज ए फॉर्म ऑफ द विष्णु वॉज वन ऑफ क्रिएटिंग अ मोर यूनिफाइड रिलीजियस ट्रेडिशन। सम ऑफ दीज फॉर्म्स वर रिप्रेजेंटेड इन स्कल्पचर्स एज वर अदर डिटीज शिवास। फॉर इंस्टेंस वॉज सिम्बलाइज बाई द लिंगा, although he was occasionally represented in human form too, all such representation depicted complex set of ideas about the deities and their attributes through symbols such as a headdress, ornaments and ayudhas, weapons, auspicious object and deities hold in their hand. How they are sected, etc. My dear student, before start Shaivism, I would like to explain you about their weapons, their symbols which used in sculpture. For the Vaishnavism, chakra, I mean to wheel, kamal, it means lotus, shankh, it means seal, gada weapons, these are all symbol of Vaishnavism. Snake, serpent, serpent head, eagle, these are all belongs to Vaishnavisms. These are all Vaishnavism symbols. If you see in the sculpture
these type of symbol, we have to know about that, what this symbol want to explain. The symbol want to explain about that, that this area, particular region is famous for the Vaishnavism. ये एरिया में वैष्णविज्म के फॉलोअर्स होंगे, वहाँ इस तरह की मूर्तियाँ स्थापित होंगी, राजा सामंत बड़े बड़े सम्राट वैष्णविज्म को प्रमोट करते हैं। आश्चर्य की बात तो ये है कि जावा कंबोडिया में भी अंकुरवाट मंदिर टेम्पल, अंकुरवाट गूगल पे सर्च करिए, अंकुरवाट टेम्पल को देखिए, भारत के बाहर भी इसके साक्ष्य मिलते हैं, इंस्क्रिप्शन अभिलेख मिलते हैं। जावा का शैलेंद्र वंशी शासक समुद्रगुप्त का वंशज मेघ वर्मन जो कहता है कि मैं गुप्त वंशी शासक हूँ, मैं वही विरुद्ध धारण करता हूँ जो गुप्त धारण करते हैं, मैं भी वैष्णविज्म हूँ, वैष्णव धर्म को पालन करने वाला हूँ। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने 11th सेंचुरी के आसपास वहाँ पे अंकुरवाट मंदिर का निर्माण कराया कंबोडिया में। आप सर्च करिए, देखिए उस टेम्पल को, वहाँ से आप किसकी प्राचीनता के उल्लेख मिलेंगे, उसके प्रसार की बात मिलेगी, एक्सपेंशन दिखेगा आपको भारत के बाहर के क्षेत्रों में। आज भी इंडोनेशिया में रामायण उनका सबसे प्रमुख आर्ट माना जाता है, वो रामलीला करते हैं। मैं नाउ दैट टाइम इंडोनेशिया इज अ मुस्लिम कंट्री, बट इवन इफ दे लाइक वेरी मच रामायण एंड रामलीला, एवरी ईयर्स द ह्यूज अमाउंट ऑफ द पर्सन पब्लिक They were taking interest in Ramlilas. उनकी मुद्राओं पे, उनकी उनके हर जगह, हर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स पे वो चीज़ चल है। इंडोनेशिया का आज भी जो एरोप्लेन है वो गरुड़ है, उस पर गरुड़ का अंकन है, गरुड़ इट मीन्स ईगल, ईगल इज द सिंबल ऑफ वैष्णविज्म, वैष्णविज्म के सिंबल को शो करता है। मुस्लिम कंट्री होने के बाद भी उन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा है, ये अपने में इम्पॉर्टेंट पार्ट। इसके बाद हम बात करेंगे शैविज्म पे, वैष्णविज्म पे आपको कई सारी चीज़ें मिली, मैं समराइज कर दे रहा हूँ। वैष्णविज्म में आपने इनकॉर्नेशन देखा, वैष्णविज्म में आपने भक्ति देखी, वैष्णविज्म में आपने टाइप्स ऑफ वैष्णविज्म के प्रकार देखे, वैष्णविज्म में आपने उसके सामान्य फॉलोअर्स की बात की हमने, इट मीन्स वी हैव डिस्कस अबाउट दैट द मीनिंग ऑफ वैष्णविज्म, वी हैव डिस्कस अबाउट दैट फॉलोअर ऑफ वैष्णविज्म, वी हैव डिस्कस अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ वैष्णविज्म, आल्सो डिस्कस अबाउट दैट द टीचिंग ऑफ वैष्णविज्म, व्हाट इज भक्ति एंड व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द वैष्णविज्म, वी हैव ऑल डिस्कस अबाउट दैट, एंड सिम्बल्स विच इज यूज इन स्कल्पचर एज ए वैष्णविज्म सिम्बल, we have discussed all these things in this video. In next video I will discuss you about Shaivism. Shaivism पे बात करेंगे next video में। So आपको यहाँ से वैष्णविज्म की सारी चीज़ों को properly लेना है, explain करना है, अच्छे से पे काम करना है, इन चीज़ों पे incarnation को देखिएगा, इन चीज़ों पे वैष्णविज्म की teaching को देखिएगा, भक्ति की मीनिंग्स को समझिएगा। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द मीनिंग ऑफ भक्ति, इन फ्यूचर वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन योर सिलेबस दैट सूफी भक्ति ट्रेडिशन, वेयर वी अगेन डिस्कस अबाउट दैट शैविज्म एंड वैष्णविज्म इन द वेरी वास्ट लेवल, एंड देयर द वेरियस सेक्ट्स आल्सो वेन वी हैव सीन, कितने संप्रदाय में बटा, कितने पार्ट में बटा और फिर इसका विकास कैसे हुआ, इन सारी चीज़ों पे हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, टेक केयर एंड गुड बाय।